मेरा नाम है मोहनीश दीवान और मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ में निवास करता हूँ। तो आज मैं आप लोग को वॉकमैन दिखाने जा रहा हूँ और मैं सुनील कुमार जी से वॉकमैन खरीदा हूँ और सुनील कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की वॉकमैन दिए हैं और ये वॉकमैन मुझे बहुत पसंद आया है। ये इस वॉकमैन का फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है। इसमें आपको गाना सुनने के लिए टेप, रेडियो, ये सारे चीज़ें इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है इसमें। इसमें बड़ा स्पीकर दिया हुआ है, मीडियम वॉल्यूम में करके इसको गाना सुन सकते हो, लेकिन ज़्यादा तेज वॉल्यूम में थोड़ा सा घकराता है बहुत छोटा स्पीकर होने के कारण। और यहाँ पास कैसेट देखने के लिए कुछ यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है और यहाँ पास बैटरी इंडिकेटर भी दिया हुआ है कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। यहाँ पर लाइट के माध्यम से इंडिकेट बताता है और रिकॉर्डिंग का भी इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे रिकॉर्डिंग दबाओगे तो लाल लाइट जलती है। यहाँ पास रेडियो का भी दिया हुआ है, AM और FM का दिया हुआ है। और आज के दौर में FM चल रहा है तो आप लोग FM का भी मजा ले सकते हो। और यहाँ पास मीटर दिया हुआ है, इसमें आप कैसेट के गाने का ड्यूरेशन का भी पता कर सकते हो कि कितने मिनट में आपकी गाना प्ले होगी और गाना कितने मिनट का है, इसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हो। और ये मीटर देने का ये फायदा है, आप रिवर्स फॉरवर्ड करते समय भी आप जज कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर में कुछ बटन्स दिया हुआ है, एक है प्ले का बटन दिया है, यहाँ पास रिकॉर्डिंग का बटन दिया है और यहाँ पास रिवर्स फॉरवर्ड का बटन दिया है और यहाँ पर स्टॉप का बटन भी दिया हुआ है। और एक और ये दिया हुआ है, जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टॉप करने के लिए भी दिया हुआ है जो कि रिकॉर्डिंग के समय ये काम आता है। और यहाँ पर एक वॉल्यूम रॉकर दिया है और इसके पीछे और बटन दिया हुआ है ये वाला। एक है कैसेट के अलग अलग प्रकार का आते हैं, जैसे मेटल का है और कुछ नॉर्मल कैसेट का है। उसको सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर बटन दिया हुआ है और इसके एक्स्ट्रा प्लेस के लिए भी सिलेक्टर बटन दिया हुआ है। बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर दो जैक दिया हुआ है, एक है हेडफोन के लिए, एक माइक के लिए। और माइक में आप लोग माइक के जैक की तो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं अभी कनेक्ट करके रखा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इसके ठीक नीचे ये रेडियो का ट्यूनर दिया हुआ है और यहाँ पास ये दो बटन और दिया हुआ है इसमें। एक है रेडियो का चेंज करने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक है रेडियो टेप का सेलेक्ट करने का बटन दिया है और यहाँ पास एक एलिमीटर में चलाने के लिए दिया हुआ है, मतलब एडाप्टर में। और इतने सारे बटन इसमें दिए हुए हैं और इसके पीछे में सेल भरने का कंपार्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतने सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं आईवा के वॉकवेन में। और इसका मैं पूरा टेस्टिंग कर चुका हूँ इसका, और खासकर रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से इसको खरीदा हूँ क्योंकि प्ले के करने के साथ साथ बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग होती है इस वॉकमैन में। मैं ताजुब हो गया था इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को देखकर, इतना छोटा सा वॉकमैन इतना कैसे रिकॉर्डिंग कर सकता है, और बहुत पसंद आया ये। तो चलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग को टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पास मैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ इस वॉकमैन को। ये देखिए माइक इन से वहाँ पास लाइन आउट के पास कनेक्ट कर दिया हूँ। तो आज हम डील है कि मांटा के गाना को हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये डील है कि मांटा नहीं का, और अब इसको चालू कर देता हूँ रिकॉर्डिंग बटन को। ये देखिए एक साथ चालू कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं गाना को कुछ दो दो मिनट का मैं प्ले करके रखूँगा। ये चालू हो गया और जब भी रिकॉर्डिंग होता है तो यहाँ पर थोड़ा
स्पीकर में हल्की हल्की आवाज आती है यहाँ पर। बहुत इजी है रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन बहुत सारा चीज भी होता है इसमें रिकॉर्डिंग करने का तरीका। तो मैं रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं देखिए, ये है दिल है कि मानता नहीं का। उसके बाद मैं टेप रिकॉर्डर में भी प्ले करके दिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग कैसे हुआ है। आप लोग को देख के अंदाजा हो जाएगा इसकी क्वालिटी, वॉकमैन की क्वालिटी को देख। तो अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है। चलिए, इतना प्ले कर दिए हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आपको दिखाते हैं। आप, मैं इसको रिवर्स करता हूं। आप प्ले करके दिखाता हूं आपको। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो रही है, ना तो खतरा आ रहा है, ना सनसनाहट का आवाज आ रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी एक नंबर है। कितना प्यारी आवाज आ रही है वॉकमैन से। मैं मीडियम में इसको सेट किया हूँ वॉल्यूम को, ज्यादा आवाज करूंगा खतराएगा। चलिए, इसी को हम टेप रिकॉर्डर में सुन के देखते हैं उसमें गाने की क्वालिटी कैसे आती है। अब टेप रिकॉर्डर को मैं प्ले करने जा रहा हूँ, प्ले कर दिया हूँ। आप इसकी गाना सुनिए कि वॉकमैन की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी रहती है, आपको देख के अंदाजा लग जाएगा। आप यहाँ पर वॉल्यूम ये देखिए। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आवाज आ रही है। कितनी अच्छी क्वालिटी। चलिए, आप लोग को सुना दिया हूँ। इसी कैसेट मैंने रिकॉर्ड की है, सोनी की 90 मिनट की ब्लैंक कैसेट में। तो आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो यही रहा मेरा रिव्यू इस वॉकमैन का। यदि वॉकमैन लेना चाहते हो तो सोनी कुमार जी से बिल्कुल संपर्क करिएगा, उसके पास एक से बढ़कर वॉकमैन है। उसका रिव्यू YouTube चैनल में भी देख सकते हो उनके वॉकमैन का। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा रिव्यू था, और इसका रिव्यू करते थोड़ा 8 मिनट हो गया है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।